नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोमल किचन्स में। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ और आज हम एक स्वीट डिश बनाने वाले हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। कई बच्चे स्वीट डिश पसंद करते हैं, कई नमकीन पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं स्वीट डिश बना रही हूँ क्योंकि वो हर खाने के बाद बच्चों को जरूर लगता है कि मुझे कुछ स्वीट, मम्मी कुछ स्वीट है, कुछ स्वीट है, ये बोलते रहते हैं। इसलिए मैं आज एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ, शाही टुकड़ा। उसके लिए हमें जो सामान चाहिए, सामग्री के लिए हमें दूध चाहिए, पानी चाहिए, शक्कर, घी, ब्रेड एंड नट्स। हम अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम पैन गरम करते हैं, उसमें हल्का सा घी लगाते जाते हैं। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा तो घी मेल्ट होता जाएगा। और हमें सारे ब्रेड के टुकड़े एक एक करके उसमें फैलाने हैं। आप इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं, मैंने राउंड किया है। इसको स्क्वायर शेप पे भी अपन बना सकते हैं, वो हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से शेप में बनाना चाहते हैं। बच्चों को सर्कल अच्छा लगता है तो सर्कल बनाइए, स्क्वायर अच्छा लगता है स्क्वायर, ट्राइंगल अच्छा लगता है तो ट्राइंगल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हल्के हाथों से पलटाते रहना है। देखिए हल्का ब्राउन होते जा रहा है वो। इसको प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए मैं इसको कंटिन्यू हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ ताकि हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए, ताकि वो जले भी ना और ब्राउन भी हो जाए। ये देखिए, इसको आप डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एक मिनट में ब्रेड ब्राउन हो चुकी है। हम फ्लेम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी ब्रेड बेक हो चुकी है अच्छे से। इसको डीप फ्राई करना चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम एक पैन रखेंगे, उसमें आधी कटोरी शक्कर डालेंगे और आधी कटोरी से कम पानी डालना है। और कंटिन्यू इसे चलाते रहना है ताकि शक्कर अच्छे से गल जाए। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो मीठे में आप तुरंत कोमल किचन के जाइए और उसमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखिए ताकि हमें लगे कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी डिश डालने का मौका है। जितना आप चैनल को खोलेंगे उतना ही हमें अच्छी खुशी होगी और हमें लगेगा कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और हम अच्छे नए नए वीडियो आपके लिए रोज लाते रहेंगे। ये देखिए शक्कर पिघल रही है, इसके पूरे दानेदार खत्म होना चाहिए। ये देखिए इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अच्छे से पूरा उसका चाशनी जैसा वो तैयार हो चुका है। 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे उबाला है। अब आपको दिख रहा है इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से शक्कर घुल चुकी है। अब हमें एक एक क्वेयर ब्रेड का पीस इसमें डालना है और इसमें अच्छे से वो चाशनी में डुबोने के बाद उसे एक एक पीस करके निकालते जाना है। आप देख रहे हैं मैंने एक एक करके उस पीस को डालती गई हूँ और हल्का से धीरे से हाथ से उसे पलटाते जाना है।
अब हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम लास्ट स्टेप के लिए बढ़ रहे हैं। अब हमें फ्लेम बंद करना है और हमें दूध वाला फ्लेम रखना है। फ्लेम पे हमें दूध रखना है। अब आप देखिए, दूध में हम शक्कर इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि पहले से ही इतना मीठा है और दूध को 15 से 20 मिनट तक उबालना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा ताकि वो नीचे बैठ ना पाए। कंटिन्यू घुमाते रहने से वो दूध हल्का गाढ़ा हो जाएगा। इसे 10 से 15 मिनट तक चलाना है ताकि दूध सूख के आधा हो जाए। अभी हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं और हम अपने सर्विसिंग के सर्विस प्लेट में डाल रहे हैं शाही टुकड़ों को। ऊपर से हमें दूध डालना है इसमें। और ऊपर से नट से प्रेजेंटेशन करनी है। कुछ आलमंड, कुछ कैशू नट डालना है। देखिए हमारी डिश बनके तैयार हो गई है। ये हमारे शाही टुकड़ा बनके तैयार हो गया है। हमें पता है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।